बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आज हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम डिफाइन करें तो हम जिम्नो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नेकेड के लिए, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स, यानी कि हम इनको जिम्नोस्पर्म्स का नाम देते हैं। That produces the naked seeds, और दूसरा हम इनको conifers भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि they produces cone, produces cones as an organ of reproduction, यानी reproductive organs के तौर पर cones produce करते हैं, जबकि angiosperm रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। लिहाजा इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, जिसको मेल और फीमेल कौन का नाम देते हैं हम, इस वजह से हम इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड कोनिफर्स। मेल कौन अलग से है, और इसी की तरह से फीमेल कौन अलग होती है, तो इस तरह से इन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म का नाम दिया जाता है। इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी इसी वजह से कहते हैं। अब जरा हम इसके लाइफ साइकिल पर बात करते हैं, तो इनके लाइफ साइकिल में भी हम देखते हैं एंजियोस्पर्म की तरह से जो डिप्लोइड जनरेशन है वो हम कहते हैं इट इज द लार्जर साइज ऑफ प्लांट दैट इज डोमिनेंट इन द मेजर पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, इट इज द स्पोरोफाइट। यानी हम देखते हैं कि इनमें भी जिम्नोस्पर्म के अंदर भी एंजियोस्पर्म से जो सिमिलैरिटी है, स्पोरोफाइट इनका डोमिनेंट है, जैसे ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट होता है। हम कहते हैं इट इज द लार्जर प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ द रूट स्टेम्स एंड लीव्स, इट इज डिप्लॉयड एंड डोमिनेंट जनरेशन, जबकि गैमेटोफाइट जो था ब्रायोफाइट में डोमिनेंट था। इन जिम्नोस्पर्म में हम कहते हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, वाली पे नजर आने वाला प्लांट है, लार्जर इन साइज कॉन्स्पिकुअस है, जबकि गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, शॉर्ट लिव्ड है, इनकॉन्स्पिकुअस है, डिपेंडेंट है इस स्पोरोफाइट पर। अच्छा, आप देखते हैं कि हम इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं कॉन्स, तो अगर हम बात करें दो तरह के कॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक जिसको हम कहते हैं इट इज द फीमेल कॉन, एंड सेकेंड टाइप ऑफ द कॉन इज मेल कॉन। हम देखते हैं कि फीमेल कॉन और मेल कॉन जो है इन प्लांट्स में खास तरह के लीव्स की एग्रीगेशन से डिवेलप हुई, जिस पर स्पोरेंजिया मौजूद थे। लिहाजा हम यही कहते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन इज अ जनरेशन दैट प्रोड्यूसेस स्पोरेंजिया। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म्स प्लांट ने दो टाइप्स के स्पोरेंजिया पैदा किए, वन इज कॉल्ड द मेगास्पोरेंजियम दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फीमेल कोन, एंड इट इज द मेगास्पोरेंजियम, एंड अदर वन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मेल कोन इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम जो है वो बनते हैं बाय द एग्रीगेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। यानी हम ये कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स दैट आर द लीव्स एग्रीगेट इन द फॉर्म ऑफ अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। इन द सिमिलर वे फीमेल कोन इज फॉर्मड बाय द एग्रीगेशन ऑफ मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल्स से के अंदर हम देखते हैं मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम देखते हैं जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें माइक्रोस्पोरेंजियम में मौजूद होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन द सिमिलर वे मेगास्पोरेंजियम आल्सो कंटेन्स मेगास्पोर
मदर सेल। मेगास्पोर एंजियम में भी मेगास्पोर मदर सेल मौजूद होता है। और इस तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पर मीओसिस का मरहला चलता है बाय द प्रोसेस ऑफ मीओसिस इन द मेगास्पोर एंजियम दैट आर एग्रीगेटेड इन द फॉर्म ऑफ द फीमेल कोन बाय मेगास्पोरोफिल्स। हम देखते हैं फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल्स के मिलने से बनती है जिनमें मेगास्पोर एंजियम है और मेगास्पोर एंजियम में मेगास्पोर मदर सेल है। अब देखते हैं इस मेगास्पोर मदर सेल में और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मीओसिस का प्रोसेस चलता है। लिहाजा इस मीओसिस के प्रोसेस से हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर जो के डेवलपमेंट के जरिए से मेल गैमेटोफाइट पैदा करेगा और इसी तरह से मेगास्पोर एंजियम पैदा करता है मेगास्पोर को जिसको हम कहते हैं इट विल प्रोड्यूस द फीमेल गैमेटोफाइट। यानी हम ये देखते हैं माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के जरिए से मेल गैमेटोफाइट जनरेशन का आगाज करता है जबकि मेगास्पोर जर्मिनेशन के जरिए से फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन का आगाज कर देता है और ऐसा स्ट्रक्चर जो अपनी जर्मिनेशन मुकम्मल करके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर डिवेलप कर लेता है हम इसको नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। हम इसको पोलन ग्रेन कह देते हैं माइक्रोस्पोर भी कहते हैं जबकि फीमेल गैमेटोफाइट हम देखते हैं इट इज कॉल्ड आर्ची गोनियम और इसके अंदर हम देखते हैं देयर इज द एम्ब्रियो सैक। इसमें एम्ब्रियो सैक भी मौजूद होता है जबकि पोलन ग्रेन में हम देखते हैं पोलन न्यूक्लियस पोलन ट्यूब और स्पर्म न्यूक्लियस मौजूद होता है। यानी हम ये देखते हैं कि इस स्टेज पर इस मरहले पर ये पोलन ग्रेन यहां पर मौजूद जो लार्जर इन साइज बड़े साइज में मौजूद जो कॉन्स हैं जिनको हम फीमेल कॉन्स का नाम देते हैं यहां से माइक्रोस्पोर्स जिनको पोलन ग्रेन कहते हैं मूव करते हैं हवा के जरिए से विंड के जरिए से पहुंचते हैं फीमेल कॉन पर और ऐसी सूरत में हम इस अमल को कहते हैं इट इज कॉल्ड पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल कॉन टू द फीमेल कॉन इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन के अमल के बाद हम देखते हैं पोलन ग्रेन जो है वो एक सीजन तक के लिए अपनी ग्रोथ को रोक देता है अगले सीजन तक अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है और फिर इसके गैमेटोफाइट में से हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर देता है स्पर्म सेल और इसी तरह से आर्चिगोनियम प्रोड्यूस करती है एग सेल। अब जब ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो चुका होता है और इस पोलन ग्रेन से डेवलप हो जाती है पोलन ट्यूब जो के ट्रांसफर करने का काम करता है स्पर्म को एग सेल तक जो के आर्चिगोनियम में मौजूद है और ये स्टेप और ये मरहला इस अमल को हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है इस स्टेज पर और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हम ये देखते हैं कि जाइगोट बनता है और जाइगोट जनरेशन से आगे हम देखते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज होना शुरू होता है जिसको हम कहते हैं इस जाइगोट की डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है मौजूद होता है इनसाइड द सीड और उस बीज के जर्मिनेट करने से बीज के उगने से हम देखते हैं नई स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज हो जाता है। तो जरा गौर करें हम ये कहते हैं कि ये वाला प्लांट का लाइफ साइकिल जिसको हम कहते हैं इट इज द गैमेटोफाइट जनरेशन जबकि ये वाली जनरेशन बल्कि ये वाली जनरेशन जहां पे हमने देखा है कि गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं
दिस इज द गैमेटोफाइट जनरेशन और जाइगोट से आगे आगे का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं इट इज द स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी ये स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जनरेशन है, लिहाजा इसको हम कहते हैं इट इज द स्पोरोफाइट दैट इज टू एन एंड डिप्लॉयड, और ऊपर वाला पोर्शन जो हमने बनाया है इट इज द गैमेटोफाइट एंड इट इज हैप्लॉयड एंड इट इज वन एंड। तो इस तरह से इन जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट जनरेशन का आगाज करता है स्पोर्स की जर्मिनेशन से जब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पैदा होते हैं, और उसी ही तरह से गैमेटोफाइट जनरेशन जाइगोट एम्ब्रियो और सीड फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जनरेशन में स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज करता है, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।